देखो बेटा, इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। याद आया कुछ? यानी के निकालना है। किसका निकालना है? सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल। कोई बात नहीं, ये हो गया, रिंग हो गई, एक पार्टिकल ले लिया और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। एम राइट? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो आप जानते हैं अगर रेडियस आर है तो कितना होगा। एक तो इसके थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दिया आपने। आपने कहा सर एम आर स्क्वायर होता है प्लस ये जो छुपा हुआ मास है, जब ये रोटेट करेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तो मास रोटेट करेगा, तो एम आर स्क्वायर हो गया। यानी आपका हो गया 2 mr² और आप जानते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया तो के इज इक्वल टू √2r। यानी उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा? √2r पे।